दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में कि क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं। ये सब कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो, क्योंकि मैं रोज डेली वीडियो डालता हूं और सारे वीडियो आप लोगों के ही मतलब के होते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी मूवीज या वेब सीरीज में अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है यार। टाइम वेस्ट मत करो, आप लोगों का टाइम मुझे दे दो, मैं आप लोग के बदले सब चीजें देखूंगा और मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो आप लोगों को देखनी चाहिए। अभी ये वेब सीरीज के बारे में बता, सीजन वन लोगों को काफी पसंद आया था, मोस्टली लोगों को नहीं भी पसंद आया था, लेकिन मुझे सीजन वन अच्छा लगा था। इस वजह से मैंने सीजन टू देखने के लिए काफी मेरा एक्साइटमेंट था और सीजन टू देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा फाइनली मेरा जो रिव्यू है बहुत ही मिक्स्ड रिव्यू है। क्योंकि जब ये वेब सीरीज शुरू हुई थी, इस वेब सीरीज में तकरीबन 12 एपिसोड, मैं आपको बता दूं सीजन वन से एक एपिसोड इसमें ज्यादा है, इसमें 12 एपिसोड है, लेकिन लेंथ हर एक एपिसोड की लगभग 28-27 मिनट की है। और इस सारे के सारे एपिसोड देख के मुझे काफी मिक्स ओपिनियन लग रहा है, क्योंकि कुछ एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, कुछ एपिसोड मुझे ऐसा लगा था रबड़ की तरह खींचे गए, और कुछ एपिसोड मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि क्यों ये एपिसोड बनाए गए। लेकिन फिर भी ये वेब सीरीज देखने लायक है, क्योंकि इस वेब सीरीज में जो हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में जिस कदर डिटेल में बताया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और कंटेंट बहुत ही फ्रेश है। इस तरीके का कंटेंट आप लोगों ने कभी कोई वेब सीरीज में देखी नहीं होगी, क्योंकि ये एडल्ट वेब सीरीज नहीं है, ना ही इसमें कुछ चीप चीजें बताई गई। इसमें एक फ्रेश कंटेंट बताया, हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया कि कैसे वहां पे काम होता है, प्लस वहां पे जो काम करने वालों की जो पर्सनल लाइफ होती किस तरीके से इफेक्ट होती, स्पेशली हेमा की लाइफ जो हमें सीजन टू में बताई गई। हेमा कोई लड़की नहीं है, हेमा एक लड़का है और वो शादीशुदा है, और शादी होने के बाद वो अपनी वाइफ को इतना टाइम नहीं दे पाता, वो मोस्टली काम में ही पूरा जुटा रहता, उसको अपने लेवल मतलब वो चाहता है कि वो काम में बहुत ही सक्सेस है और वो होता भी सक्सेस है। लेकिन आगे के एपिसोड में हमें ऐसा बताया कि हेमा जो उसकी शादी हो चुकी है वो अपनी वाइफ से भी इतना प्यार नहीं करता, और वो लिटरली चाहता है कि उसकी वाइफ किसी और इंसान के साथ, यानी कि उसकी जो वाइफ होती है वो किसी और ऑफिस में काम करती, तो उस ऑफिस का एक बंदा उसकी वाइफ को थोड़ा पसंद करता है, ये बात हेमा को मालूम रहती। तो हेमा चाहता है कि उसकी वाइफ किसी तरीके से उससे बॉन्डिंग कर ले और वो उससे शादी कर ले। ये चीज मुझे थोड़ी खराब लगी। उसके अलावा हमें जो एक नया कैरेक्टर विलियम फर्नांडिस का, वो कैरेक्टर किस तरीके से पूरी की ऑफिस को मैन्युपुलेट बोल सकते हो या मतलब डिस्ट्रॉय करता है, वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो एक नई चीज देखने को मिली। प्लस इसमें अमित और हेमा के अलावा, मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं जिन लोगों ने सीजन वन देखा है, वो लोग जानते होंगे अमित तो हेमा के अलावा हमें सीजन वन में इतने कैरेक्टर्स के बारे में जानने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे कैरेक्टर्स को भी अच्छी तरीके से फ्रेम दिया गया। प्लस आशिक के कैरेक्टर को जो सीजन वन में कम बताया था, लेकिन सीजन टू में बहुत अच्छा उनको एक स्क्रीन टाइमिंग देखने को मिली। प्लस इसका जो प्लॉट है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो है, प्लस इसमें पर्सनल जो लेवल हेमा की जो पर्सनल है वो भी बताया गया। इसके अलावा हमें एक अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग देखने को मिलती है अमित और हेमा के बीच में, प्लस जो उसके बाद जब विलियम आता है तो किस तरीके से कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, कैसे दुश्मनी बढ़ती है और क्या कुछ होता है, इस बहुत सी सारी चीजें बताया, मतलब अलग अलग शेड में ये वेब सीरीज हमको देखने को मिलती है। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज ये वेब सीरीज में मुझे सारे के सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे, और श्रवण रेड्डी हो या अमित का किरदार निभाने वाले एक्टर हो या उसके अलावा आशिक का किरदार या विलियम फर्नांडिस का, सारे के सारे बहुत ही सुटेबल कैरेक्टर लगते। उसके अलावा जितने भी इसमें किरदार है सारे के सारे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे। लेकिन मेरी शिकायत इस वेब सीरीज के मेकर से यही है कि यार आप लोग ये वेब सीरीज के लेंथ इतना बड़ा क्यों करते हो, क्या जरूरत है आपको 12 के 12 एपिसोड बनाने की, जबकि इतना आपके पास इतना जो फ्रेश कंटेंट है, सब्जेक्ट इतना अच्छा है, और आप इस वेब सीरीज को 10 एपिसोड में खत्म कर सकते थे, लेकिन आप लोग जो प्लस 2 एपिसोड क्या जरूरत है। उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बोरियत हो रही थी यार, और मैं थिंकिंग स्टार मुझे इतना अच्छा लगा था, अगर आप मेरा रिव्यू चेक करो कि मैंने वहां पे कहीं पे भी बुराई नहीं की, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेब सीरीज है, इसका जो कंटेंट है बहुत अच्छा यूनिक है, और जो जिस टॉपिक पे बनाया आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में, तो काफी लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम होता है, लेकिन इस वेब सीरीज के थ्रू मोस्टली बहुत से लोगों को समझ में आया कि वो लोग किस तरीके से एक एक लाइन लिखते हैं, क्या जब किसी एड के बारे में वो लोग पूरी टीम बैठ के जिस तरीके से डिस्कशन करती है और क्या कुछ निकल के फाइनल रिजल्ट आता है, कैसे वो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, ये बहुत कुछ हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिला, चाहे सीजन वन हो या सीजन टू हो। लेकिन जो इसकी लेंथ है वही एक इश्यू है, और मैं मेकर से इतना ही बोलूंगा, अगर आप लोग इनकेस सीजन 3 बनाते हो तो प्लीज यार आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान देके, इतनी ज्यादा एपिसोड्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, बेमतलब कि आप लोग टॉपिक को खींचे जा रहे थे, वो चीज थोड़ा इरिटेटिंग लग रही थी। उसके अलावा ये वेब सीरीज अच्छी लगी, सीजन वन अगर छोटा बच्चा है तो सीजन टू एक मैच्योर कहानी लगी मुझे, बहुत काफी कुछ डिटेल में जानने को मिला, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक ठाक है, इट्स एन एवरेज वेब सीरीज। अगर आप लोग इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो इसे MX Every Entertainment जो ऐप है
आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जाइए आपको ये पूरी की पूरी वेब सीरीज आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये वेब सीरीज देख सकते हो। तो मुझे पर्सनली ये सीजन वन के मुकाबले, जैसे सीजन वन यहां लगा तो सीजन टू यहां लगा, मतलब मुझे सीजन वन फिर भी इससे बेटर ही लगा था। हालांकि ये इन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की और काफी कुछ डिटेल में बताया गया, लेकिन पर्सनली मुझे ये ठीक ठाक एंड एवरेज वेब सीरीज लगी। अगर आप लोग को ये वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वेब सीरीज को जरूर देखें, और आप लोग अगर ऑलरेडी देख चुके तो आप लोग को क्या लगता है इस वेब सीरीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे रिव्यू से कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा और सुधारने की। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को यानी अरहान एंटरटेनमेंट को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो कल मिलते हैं, बाय।